किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों आज है 3 मई। मैं चिर परिचित जगह पर खड़ा हूँ, आप इसको पहचान रहे होंगे। तो जिस अमरूद की मैंने पिछली बार कलियाँ तोड़ी थी और बारिश हो गई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और अब कल्ले निकलने शुरू हो गए हैं, तो मैं उस अमरूद की कटिंग करूँगा। ये वही अमरूद है जिसकी मैं कई वीडियो दिखा चुका और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इसकी कैनोपी कैसी है और कटिंग के बाद कैसा दिखेगा। किसान साथियों कल जब मैं कटिंग करवा रहा था तो मैंने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी नोट करी जो मैं साझा करूंगा। अगर आप ध्यान रखेंगे तो अमरूद बहुत अच्छे आएंगे, स्वस्थ आएंगे और अवश्य आएंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कटिंग। ये देखिए, ये वो अमरूद है, आप इसकी पूरी कैनोपी देखिए। ये देखिए पूरा ये है अमरूद और अब हम इसकी कटिंग करेंगे और किस प्रकार करेंगे ये मुझे आपको दिखाना है। किसान साथियों मैंने दिखाया था लगभग 200 से ज़्यादा कलियाँ हमने तोड़ी थी, वो बरसात के अमरूद थे। अब इसमें हम सर्दियों के अमरूद लेंगे और आप देखिए मैं इसकी कटिंग किस प्रकार करता हूँ। किसान साथियों यहाँ से शुरू करते हैं, पहले साइड से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो कटिंग थी पहली, मैंने आपको फिर एक बार याद दिलाता हूँ, ये मैंने फरवरी 2019 में की थी यहाँ से कटिंग। इसमें से एक और दो, ये दो शाखाएँ मैंने चयन किया था और इस शाखा में मैंने फिर यहाँ से ये जून में कटिंग की थी और फिर अमरूद नहीं आए थे। उसके बाद मैंने आज तक इसमें कोई कटिंग नहीं की। यहाँ से फिर ये दो शाखाएँ देखिए। किसान साथियों एक चीज़ इस अमरूद में बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखिए कि इसमें घनापन बिल्कुल भी नहीं है। इस कारण इसके अमरूद स्वस्थ होंगे, इसके अमरूद में कीड़े की नाम मात्र को भी संभावना नहीं होगी, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में हवा का प्रचार होगा और इसमें धूप भी लगेगी जो कि फलों के लिए बहुत आवश्यक है। तो कटिंग में ये भी ध्यान रखना है आपको, ये सोच कर चलना है कि कल्ले कहाँ से निकलेंगे और जब वे कल्ले निकलेंगे तो उनमें से हमें कौन से रखने हैं और कौन से नहीं रखने, ताकि बीच में बिल्कुल साफ रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए ये वाला देखिए आप, अब इस जो मैंने ये कटिंग की थी, ये वाली यहाँ से दिखाओ इसको, ये वाली कटिंग की थी, ये मेरी जून की कटिंग थी। इसमें कल्ले निकले 1-2 और ये जो ये छोटा सा कल्ला है ये हमारा एक्स्ट्रा है, ये निकला पहले, हम इसी को उड़ा देंगे। किसान साथियों ये ध्यान रखिए, ये जो कट है ये हमेशा तिरछा होना चाहिए और थोड़ा दूर होना चाहिए और इसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। आइए अब इसमें ये देखिए, ये जो छोटे वाला कल्ला है इसको भी हम हटा देंगे, ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अभी फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। ये जो ये वाला है कल्ला, ये जो इसमें ये दो शाखाएँ, अब देखिए इनमें ध्यान से देखिए, इनको मैं नहीं रखूँगा और इनको मैं हटा दूँगा यहाँ से। ये देखिए इनको मैं हटा दूँ तो मेरा एक ये कल्ला बचा। अगर आप इसे ध्यान से देखें किसान साथियों, ये देखिए इसमें कल्ले निकलने शुरू हो गए, बिल्कुल धीरे से लाना इसको इसके पास तक, ताकि ये दिखाई, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ ये यहाँ से 6 कल्ले सृजन होंगे। और किसान साथियों 6 कल्लों में से कम भी 36 फ्लावर आएंगे, आप ये ध्यान रखना। तो हमें इतने नहीं रखने हैं, इसका हमें 2 बार और कटिंग करनी पड़ेगी। पहला जब जब कल्ले निकलेंगे उनका चयन करेंगे हम 30 दिन बाद फिर आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तो जो फूल होंगे उनका हम चयन करेंगे। तो अब देखिए दूसरा एक सिद्धांत ये रखना है, जितनी भी सूखी हुई शाखाएँ हैं वे सब काट दीजिए, ये छोटे वाले। अब ये वाली शाखा देखिए, ये यहाँ से हमने जून में काटी थी और ये इतनी बड़ी हो गई, तो मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ से इसको काट दूँ, ये मेरा थोड़ा बड़ा हो गया। अब इस शाखा को क्या करेंगे, ध्यान रखिए कि देखिए इसमें पत्ती हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो ये जो पहली पत्ती है इसके बाद कट करें, यहाँ पर ऐसे कट करें इसको, और ये जो छोटे वाला है इसको भी ऐसे ही करें। इसका कारण ये है कि अगर आप ये यहाँ से जड़ में से करते हैं तो ये हरी है, ये सूख सकती है और यहाँ पर रोग भी आ सकता है। और इसमें यहाँ से कल्ले निकलेंगे आपको मैं दिखाऊंगा, तो देखिए कितना अच्छा होगा। इसी प्रकार ये जो दो शाखाएँ दिखाई थी मैंने बोनस की जो हमारे को मिली थी, इनको भी करते हैं। सबसे प्रथम हम इनको हटा देते हैं छोटे वालों को, इसको भी मैं नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगला सिद्धांत कटिंग का,
आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब कल्ला निकलेगा तो अमरूद भी अवश्य आएगा। क्या ये टहनी जो शाखा है ये अमरूद का भार सहने के लायक है? तो किसान साथियों, ये है मेरी, इसको मैं यहाँ से करूँगा, क्योंकि इसी में से लूँगा। ये देखिए, ये कर दी मैंने और ये कर दी। एक ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दो आँख होती हैं, इसकी जो नोड होती हैं, इनके बीच में से काटना होता है। ये देखिए, अब चलिए इसको कर देते हैं फटाफट इस काम को। ये हटाना है आपको, इसको मैं नहीं रखूँगा। ये देखिए, ऊपर से भी आएगी, जो कल्ले निकलेंगे ऊपर की तरफ निकलेंगे, ये इसको क्रॉस करेंगे, तो इसको मैं नहीं करूँगा, इसको हटा दूँगा। दो हो गई, अब आइए इसमें जो सूखी हुई हैं उनको हटाइए। जो ये छोटे वाली हैं इसे नहीं लेना है, ये बड़ी है इसको रखेंगे। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से हम कट करेंगे इसको, और इसमें हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको भी यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए, और इसको हम यहाँ से ले लेंगे, ये बड़ा है। किसान साथियों, एक और ध्यान रखना है, अगर आप जितनी डेंसिटी हाई होगी तो आपको ये वाली शाखा ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, आप इसे इतना भी रख सकते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ दूर में अमरूद है, काफ़ी दूर तक फैलेगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पर रखी है। और इसको कट कर लीजिए आप, ये मैंने यहाँ से कर लिया इसको। मैं ये देखिए, ये शाखा इधर आ रही है, मैं इसको नहीं रखूँगा, ये उधर जा रही है, इसको भी नहीं रखूँगा, और इन दोनों को मैं रखूँगा। ये देखिए, ये ऊपर की हो गई, ये देखिए, ये जो कमज़ोर है इसको मैं हटा दूँगा। ये वाली शाखा है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, ये बराबर सी लगेगी, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। ये जितना भी, ये देखिए, जितनी भी पकी हुई शाखाएं हैं उतना रख रहा हूँ। ये शाखा देखिए, ये वाली जो शाखा है, लेकिन ये मेरे को बहुत ही घनी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको भी हटा दूँगा। ये भी घनापन करेगी, इसको भी मैं हटा दूँगा। अब आइए यहाँ पर इस वाली शाखा पर, ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं हटा, ये सूखी हुई है, अब मैं देखिए आपको इसको काटता रहूँगा, ये मैं हटा दूँगा इसको। ये कमज़ोर शाखा है, ये देखिए, ये कमज़ोर है, इसको मैं छोटी रखूँगा, ये मजबूत है, इसको मैं रखूँगा। अब आप इसका ध्यान से देखिए चारों तरफ, ये जो छोटे वाले हैं इनको हटा देंगे हम, ये मैंने एक ही पत्ती से काटे हैं। किसान साथियों, ये ध्यान रखने की बात है कि आप बीच में देखें कितने अच्छे हैं, इतने कल्ले सर्जित होंगे इसमें। और अगर आप ध्यान से देखें कि जिनमें हमने ये, इसमें कल्ले शुरू भी हो गए थोड़े थोड़े से, ये देखिए यहाँ पर निकलने शुरू हो गए, ये जो है ना, ये देखिए इसमें भी ये कल्ला निकल रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये कल्ला निकल रहा है यहाँ पर, तो कल्ले शुरू हो गए। अब हम इसके पास ठीक 30 दिन बाद आएंगे, और देखिए कितनी अच्छी कैनोपी बनी है, बिल्कुल छाते की तरह लग रही है ये। और इसमें मैं बहुत अच्छे अमरूद आएंगे। अब ये नीचे का देखिए, ये पड़ा था यहाँ पर, बारिश हो गई तो ये नीचे अब काफ़ी गीला है, इसको मैं रहने दूंगा। इस पर मैं डिकम्पोजर का स्प्रे कराऊंगा और थोड़ा नीचे डाल दूंगा, ताकि ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और इस पर अब मैं, जब पहली मानसून पूर्व पहली बारिश होगी तब मैं इसमें खाद लगाऊंगा। खाद की मात्रा कितनी है वो मैंने बताया हुआ है आपको, तो इस प्रकार आप भी कटिंग करिए। बस ध्यान इस चीज़ का रखिए कि आपकी कोई शाखाएँ इस तरह ना हो, जैसे ये वाली रह गई, मेरे को नहीं चाहिए, ये इसको क्रॉस करेगी। तो इस तरह से रखिए कि कल्ले जब निकलें तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रॉस ना करें। किसान साथियों, इसमें बहुत कल्ले आएंगे और बहुत फूल आएंगे, तो हमें उनमें से भी चयन करना होगा कि पौधे का उम्र देखकर, उसका साइज़ देखकर। चलिए एक अमरूद और है, हम उसको भी देखते हैं, जो मेरा दूसरा है घर पर अमरूद, उसकी मैं कैसे कटिंग। इसको मैंने इसलिए लगाया था यहाँ पर कि ये रेलिंग है मेरी, इससे ऊपर जाएगा और यहाँ पे थोड़ा मेरी चिड़ियाओं के लिए कार्य होगा। और देखिए कितनी अच्छी कैनोपी बनी हुई है। इसमें भी मैंने दिखाया था कि लगभग 200 के करीब मैंने कल्ले तोड़े थे। आइए अब इसकी भी कटिंग करते हैं।
इसमें मुझे ध्यान ये रखना है कि मुझे ऊपर की तरफ ले जाना है, तो इसमें ऊपर की शाखाएं मैं अधिक बड़ी रखूँगा, नीचे नहीं रखूँगा मैं। ये जो नीचे की है इसको मैं हटा दूँ, नीचे ज़्यादा नहीं रखूँगा। ये देखिए, ये एक यहाँ दिखाना, ये जो शाखा है ना ये जा रही है, तो मुझे इसके ऊपर ले जाना है इसको, तो यहाँ से कट करूँगा और यहाँ से कट कर दूँगा मैं इसको। अब जो कल्ले निकलेंगे ये ऊपर जाएंगे, तो इस रेलिंग से ऊपर चले जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी कैनोपी बनी हुई है इसकी, और ये मैं कर दूँगा। इस वाले को मैं हटा दूँगा जो अंदर जाएंगे, है जी, ये मैं हटा दूँगा इसको। ये बड़ा होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे सब। इसका अमरूद अभी तक मैंने नहीं देखा है, तो मैं पहली बार देखूंगा। ये देखिए, पहले 2 साल मैंने सिर्फ कैनोपी का निर्माण किया है इसका, और जब मुझे पता चला कटिंग क्या होती है तब तक ये पेड़ 6 माह का हो चुका था। ये देखिए, इसमें अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा ये, और मेरा जो है ना, इधर से मैं छोटे करूँगा, ये शाखा इधर मेरा रास्ता रोकेगी, इसको मैं ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा। ये देखिए, ये देखिए मेरी शाखा है, इसे मैं थोड़ा ऊपर से करूँगा जहाँ तक ये पक चुकी, तो अब ये इस रेलिंग से ऊपर निकल जाएगा पेड़। ये मैं हटा दूँगा, इस रेलिंग पे जा रहा है, और ये चलिए इसको हटा दूँगा मैं, ये नहीं रखूँगा। आप देखिए कितना अच्छा हो गया इसमें भरपूर। ये जो जो मेरे पास की है इसको भी मैं नहीं रखूँगा, ये बारीक वाली है इसको भी हटा देंगे, और ये जो है ना ये भी अननेसेसरी, मैं इसको नहीं रखूँगा क्योंकि ऊपर जानी चाहिए मेरी जो शाखाएँ हैं। तो इसमें मैंने ध्यान रखा है कि इससे ऊपर होना चाहिए, तो बस ये एक बची है, तो मैं इसे बाद में देखूँगा। मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये भी रखनी चाहिए, तो ये रास्ता रोकेगी, पर इसको यहाँ तक कर सकते हैं, थोड़ी सी इसको छोटी कर देते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल गंजा हो गया, लेकिन इस पर भरपूर मात्रा में कल्ले निकलेंगे। तो किसान साथियों, मैंने जो इसके मूलभूत सिद्धांत होते हैं कुछ, मैंने वो बताए हैं कटिंग के आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको इतना सब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार कटिंग करनी है। ये कोशिश करिए आपकी 1 फीट से ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डेंसिटी पर पौधे लगे हुए हैं, यानी 15x15 या 13 से ऊपर लगे हुए हैं, 20x20 पे हैं, तो फिर आपको जो हरा पोर्शन है सिर्फ वही काटना है, क्योंकि पौधे को हमें फैलाव चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत फैलाव नहीं चाहिए, ये मान के चलिए कि ये हाई डेंसिटी का पौधा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बहुत फैले, इसको कंट्रोल रखूँगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगले साल फिर ये इसमें से निकलेंगे, तो हमें बड़ा नहीं करने देना है इसको, और फिर मैं बताऊंगा कि अगले वर्ष इसकी कटिंग हम किस प्रकार। साथियों, मैंने आपको खेत पर भी दिखाया जो कार्य किए, और ये घर पर भी दिखाया अपना अमरूद का पेड़। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और इससे कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।